मेरा तजर्बा है कि खुशबू आपको एक गायबाना टाइम ट्रेवल करा देती है। यानी इस बात का मतलब ये कि अगर आपने 2, 4, 5, 10 साल पहले भी किसी ख़ास मौके पर कोई ख़ास खुशबू जाने अनजाने महसूस की हो, इस्तेमाल की हो, या महज एक हवा के झोंके की हद तक भी सूंघी हो, और वही खुशबू आज आप दोबारा महसूस करें, तो ये बिल्कुल उसी वक्त में आपको पहुँचा देती है, उसी ज़माने और उसी जगह का खूबसूरत एहसास करा देती है। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा होता है। मेरी इस बात से आप कितने मुत्तफिक हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ये आपने भी महसूस किया है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बात है मक्का की। अगर कोई मक्का जाए और वहाँ से खुशबुएं ना ख़रीदे तो ऐसा कम ही देखा गया है। मुशायदा ये भी है कि सभी लोग अच्छे और मेयारी इत्र की दुकानों तक या तो पहुँच ही नहीं पाते, या सोने से भी ज़्यादा महंगी खुशबू इनको ना ख़रीदने पे मुतमईन कर देती है। तो चलिए एक ऐसी दुकान आपको बताता हूँ जहाँ से आपको स्प्रे परफ्यूम, अच्छे इत्र बिल्कुल मुनासिब दामों में मिलेंगे और एक मेयारी ब्रांड भी हासिल होगा। बाब अब्दुल अजीज के सामने अवराज अल बैत की जो मेन एंट्रेंस है, जब आप यहाँ से इसके अंदर दाखिल होते हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ चंद कदम चलने के बाद आपके सामने होंगे रसासी ब्रांड के दो बड़े स्टोर्स। कॉर्नर वाले स्टोर पे सिर्फ बखूर वगैरह और रॉ आइटम्स मिलती हैं, जबकि इसके साथ वाले स्टोर में आपको स्प्रे परफ्यूम, इतर, रूम फ्रेशनर्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल होंगी। मैं ये बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये फ़क़त खुशबू का शौक़ रखने वाले उन हाजी साहिबान के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो अच्छे इत्र ख़रीदना चाहते हों। रसासी ब्रांड के बारे में ये कि 1979 में दुबई के एक शख्स अब्दुल रजाक ने ये ब्रांड इस्टेब्लिश किया था, और लेकिन आज ये ब्रांड इंटरनेशनल हो चुका है। इस शोरूम में 35 रियाल से शुरुआत होकर 100, 200, 500 रियाल तक हर तरह की कीमत की खुशबू मिलती है। मैं अमूमन यहीं से ज़रूर कोई ना कोई खुशबू ख़रीदता हूं, और ज़्यादातर देखा गया है कि इनके पास कुछ ना कुछ स्कीम्स भी चलती रहती हैं, बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री, तो डिपेंड करता है आप किस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल ये मेरी फेवरेट दुकान है, मुझे रसासी ब्रांड भी अच्छा लगता है, और एक दूसरा ब्रांड है स्विस अरेबियन, उसके भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट मुनासिब दामों पर मार्केट में अवेलेबल होते हैं।
आज जबकि हम अबराज मॉल में घूम ही रहे हैं तो कुछ दूसरी और मशहूर काबिल ज़िक्र जगह भी आपके गोश गुजार कर दूँ। अबराज एवेन्यू, एक ऐसा शॉपिंग मॉल जो इतना बड़ा है कि इसमें कई बिंदाउत समा जाएंगे। बिंदाउत स्टोर्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मक्का का और एक डिटेल्ड वीडियो मदीना का आई बटन मौजूद है। अबराज एवेन्यू के अंदर ही अबराज हाइपर मार्केट भी है। ये सब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, इसको पूरी तरह देखने के लिए कई दिन दरकार होंगे। इसमें हर चीज़ मिलती है, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, स्पोर्ट्स वेयर, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेस, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। मैंने जनवरी 2020 के उम्र पर ये वीडियो बनाया था। आज यहाँ की क्या पोजीशन है मैं नहीं कह सकता। से दुआ है कि जल्द से जल्द हालात नॉर्मल हो जाएं, पहले जैसे हो जाएं, लोग सफ़र करना शुरू करें, बेफिक्री से जाएं, वहाँ की रौनकें बहाल हों। और इस दुआ के साथ आपसे ये दरख्वास्त करता हुआ कि आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मक्का और मदीना के सफ़र से मुतालिक हर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। मेरा स्टेप बाई स्टेप उमरा व्लॉग भी मौजूद है। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।